इसके प्राइस में तुम्हारे को स्कॉर्पियनर XUV700 जैसी गाड़ी मिल रही है, बताओ। तो गुरखा ले लेना फिर है? अरे गुरखा 21.5 लाख खर्च करने के बाद जब पीछे से ऐसे लगे कि कोई तांगा चलाता हुआ जा रहा है तो वो लुक है इस गाड़ी की। इस पे थोड़ा कड़वा बोलूंगा बट सच बोलूंगा जी, बताइए। ऐसा है कि IVT इसलिए लिया था कि मिलेगा एवरेज और ठीक है, और 1.5 लाख सस्ती भी है 1.25 लाख टर्बो से। हाँ। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार और झाटू इंजन लिटरली। एक तो पंच इंजन नहीं है, जिनके पास है शायद उनको बुरा लग जाएगी वाली बात, बट लिटरली भाई पंच इंजन नहीं है, पिकअप देखने को नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे सामने हुंडई की क्रेटा, एंड क्रेटा का करेंगे हम एक ऑनरशिप रिव्यू। हमारे साथ में है अभिषेक भाई, इनका भी एक चैनल है पब्लिक गैराज से, आप जाके इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी रिसेंटली इस गाड़ी को परचेज किया है, क्यों सिर्फ क्रेटा पर ही ये गए हैं और क्या वेरिएंट है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। एंड इस गाड़ी को लेने के बाद अभिषेक जी को कोई इस गाड़ी का पछतावा हुआ, उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस लिया, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही में जो भी क्रेटा लेने जा रहा है या जो प्लान कर रहा है उनके लिए ये वीडियो स्पेशली होने वाली है। एंड इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक, आपके बहुत सारे डाउट्स जो है ये वीडियो आपके क्लियर कर देगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के गाड़ी के अंदर एंड जानते हैं इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में। तो अभिषेक भाई, पहला क्वेश्चन सबसे पहला कि क्रेटा ही क्यों, सेल्टोस क्यों नहीं, मतलब पेरेंट कंपनी है बट सेल्टोस क्यों नहीं? भाई पहले तो पहली बात ये कि टाटा सफारी में ऑन करता हूँ जी, उससे अलग सेल्टोस पे मैं गया था, बट जो अंदर स्पेशियस मुझे लगी वो क्रेटा ज्यादा लगी। प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ लुक्स और फीचर में भी मुझे क्रेटा ज्यादा प्रैक्टिकल लगी। एंड मेरे को एक चीज और बताओ, चलो आपने बता दिया कि सेल्टोस आपने क्यों कंसीडर नहीं करी, भाई इस सेगमेंट के अंदर 8 से 9 गाड़ियां 10 गाड़ियां आती हैं, ठीक है आप भी जानते हैं कौन कौन सी गाड़ी आती हैं, तो उनमें से क्यों नहीं कोई चूज करी, या सिर्फ और सिर्फ क्रेटा को ही चूज करने का कोई मेन रीजन आप बताइए। भाई एक तो ग्रैंड विटारा सर्च करी थी जब इसको मतलब कम गाड़ी देख रहे थे। हाँ। तो इस कैटेगरी में ग्रैंड विटारा देखी, फॉक्सवैगन की टाइगून देखी, एलिवेट भी देखी, बट क्या है कि यार जो इन टर्म्स ऑफ देखी जाए रीसेल वैल्यू ज्यादा आपकी क्रेटा की है इन सबसे, है आपकी मतलब है तो ग्रैंड विटारा की भी, बट अगर देखा जाए मार्केट में कि लग्जरी भी चाहिए, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट फ्री भी चाहिए, इंजन रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो इंजन रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस फ्री तो आपको मारुति में मिलती है, बट वो लग्जरियस नहीं फील होती जो क्रेटा की ब्रांड वैल्यू अभी बन चुकी है। तो इन सब गाड़ियों से अलग ये अकेली ऐसी है जो टॉप नंबर 1 पे चल रही है अभी, ठीक है, मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV है, और वो इसलिए चल रही है क्योंकि भाई एक तो फिट एंड फिनिश यूनिट रहेगी। हाँ। उससे अलग जो ये फीचर देते हैं गाड़ियों के अंदर, कंफर्ट देते हैं, ठीक है, और इंजन रिलायबिलिटी बहुत जबरदस्त, और रीसेल वैल्यू तो भाई इस टाइम पे क्रेटा की ऐसी है, करंटली इसको टैग दिया जा रहा है सड़कों की रानी, जिसको भी देख लो कोई अगर SUV प्लान कर रहा है मिड साइज कॉम्पैक्ट, तो उसमें हर तीसरे बंदे में से 2 बंदे आपको क्रेटा लवर जरूर मिल जाएंगे। तो ये सब पॉइंट को कंसीडर करते हुए भाई इस गाड़ी को मैंने चूज करा। एंड क्रेटा लिया है आपने, चलो अच्छी बात है। एंड दूसरी बात ये कि ये जो आपने लिया है SX ऑप्शनल है ना, और IVT आपने लिया है, तो IVT चूज करने का मेन रीजन? भाई इस पे थोड़ा कड़वा बोलूंगा बट सच बोलूंगा जी, बताइए। ऐसा है कि IVT इसलिए लिया था कि मिलेगा एवरेज और ठीक है, और 1.5 लाख सस्ती भी है 1.25 लाख टर्बो से। हाँ। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार और झाटू इंजन लिटरली। तो ऐसा इंजन मिलता है भाई कि एक तो पंच इंजन नहीं है, जिनके पास है शायद उनको बुरा लग जाएगी वाली बात, बट लिटरली भाई पंच इंजन नहीं है, पिकअप देखने को नहीं मिलता। इट्स बेटर कि टर्बो ले लेता 1 लाख ऊपर डाल के, एवरेज भी 19-20 का ही फर्क है। Okay. कहीं उतना कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, तो इसलिए भाई कोई भी अगर 21.5 लाख रुपए देने जाएगा इस गाड़ी के ऊपर तो मत देने जाना, 1 लाख ऊपर कर लेना फाइनेंस कर, तो 1 लाख और ऊपर स्ट्रेच कर लेना, बस ले लेना टर्बो इन शॉर्ट, क्योंकि टर्बो जब चलाओगे तो इसमें और आपको उसमें ड्राइवेबिलिटी में इंजन के अंदर जमीन आसमान का फर्क देखने को। अगर हम इसकी बात करें तो कहने का मतलब ये कि जो ये IVT गियरबॉक्स है या 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो इतना वर्थ नहीं है लेना, इतना वर्थ नहीं। और भाई ऊपर से बहुत RPM लेता है स्विच करने में, गियर शिफ्टिंग में। ओके। जो इसके ऊपर DCT है ना उसका, Hyundai का। हाँ। वो बहुत लाजवाब 7-speed DCT मर्क्यूरी है भाई वो तो गियर बॉक्स। तो भाई कभी आपने चेक किया है कि मतलब जो क्रेटा है ये ऑटोमेटिक IVT ये क्या माइलेज आपको निकाल के दे रही है सिटी में या हाईवे पे, मतलब रियल टाइम जो आपने माइलेज लिया वो बताइएगा भाई? रियल टाइम तो हाईवे पे लिया है,
तो 17, 18, 19 भी स्ट्रेच कर सकते हो आप अगर 80-90 की क्रूजिंग है। Okay. ऑन एन एवरेज 15 से 17 हाईवे पे और लोकल्स के अंदर सिटीज के अंदर तो 12 से 14 के बीच में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार क्रेटा का जो पेट्रोल 1.5 NA इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड उसका माइलेज बहुत कम है, लोग बाद में काफी परेशान होते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस तो नहीं देता इंजन लेकिन एवरेज भी इतना खास नहीं देता, एवरेज भी इतना खास नहीं देता उसी चीज का। तो भाई अगर हमने एनए ले लिया तो एवरेज मिलता कम से कम 20-22 का हाईवे पे, लो सिटीज के अंदर 15-16 मिलता तब भी सेटिस्फेक्शन मिलती, बट ये चीज थोड़ा सा जमती नहीं, हजम नहीं होती। खैर एक मेन चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के काफी अच्छे हैं, काफी लोग बोलते हैं काफी नए नए फीचर्स आ गए हैं, लेवल 2 एडास आ गए हैं, कभी आपने वो यूज किया हो तो उसका कैसा फीडबैक है आप बताना चाहें तो? भाई ड्राइविंग जो है कंफर्ट काफी अच्छा है, ड्राइविंग का सस्पेंशन सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाइड, फॉरवर्ड रियर कोलिजन वार्निंग। लेकिन ये जो एडास है ये मेरा ओपिनियन है सिटीज में कभी यूज मत करना। ओके ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और मेरे साथ के भी जिन्होंने यूज करा तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। बेसिकली ये हाईवे का फीचर है, कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो उस चीज को आप वैसे यूज करो, एक फैंसी फीचर नहीं है कि आप सिटीज में एडास यूज करते हो, जैसे मैंने अभी यूज कर दिया है ठीक है, लेन की बसेस लगा दिया तो ये चीजों को एकदम ऐसा पीछे से कोई आएगा ये ब्रेक ऐसे ले लेगा आगे से पीछे टक्कर मार देगा, तो सिटीज के लिए तो नहीं है। ओके तो इसको भाई सिटीज में तो यूज ही नहीं करो। स्पेशियस कैसी है गाड़ी, मतलब कितना स्पेस इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है? देखो अभी ये वर्क भी अच्छे से कर रहा है, लेवल 2 जो है ना लेन कीप असिस्ट जो है इसका फीचर वो भी अच्छे से वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो लेकिन कभी कभी ये वही है कि भूल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज है कहाँ पे क्या। भाई देखो रिस्पॉन्सिव पूरा है। ओके अगर मैं लेन कीप असिस्ट लगाऊंगा ना ये अब कहीं गाड़ी जाएगी नहीं, मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, जितनी आप सामने लेन दिखा दो कहीं भी अब इस लेन से अलग जाएगी। मैंने हाथ अच्छा, हाँ ये देख सकते हो आप, टिल्ट अपने आप होगा, ये अपने आप ही थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है, एडास का मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है क्रेटा का। बट भाई नहीं है सिटीज के मतलब का नहीं है, कोई गाड़ी एकदम अचानक आए पीछे वाले को सेंस करने का मौका नहीं मिलेगा, गाड़ी ठोके देगा। सही बात है ठीक है। तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें लगा सकता हूँ कि मैं 100 पे सेट कर लूँ, आगे वाला जा रहा है 80 पे 50 पे चलेगी 100 मीटर के गैप पे, तो इतना सेफ भी है बट हाईवे से लिए। कुल मिला के हाईवे का फीचर है, सिटी में इसको यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना। टाटा सफारी से आप इसमें आते हो कैसा फील होता है आपको? बच्ची उसके सामने एकदम बच्ची फील होता है। चेटा नेटा क्या होता है भाई, वो नेटा छोटा मोटा क्या होता है फ्रेज है, तो भाई ऐसा फील होता है। और ऐसा फील होगा कि जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तो एक उंगली से घुमा लोगे और बोनट ऐसा कि भाई कितना पतली दुबली गाड़ी, एकदम जैसे बॉडी बिल्डर का टाटा सफारी डीजल पे आती है ठीक है, सब जानते हैं डीजल से जब आप पेट्रोल पे आते हो कितना फर्क दिखता है कि भाई पेट्रोल ऐसा लगता नहीं है रो रही है कुछ ज्यादा ही। भाई जैसे आप पूछ रहे हो कि पेट्रोल वाला डीजल वाला क्वेश्चन, तो सफारी से जैसे मैं निकल के आता हूँ तो उसमें तो भाई ऐसा फील होता है कि शेर की तरह डीजल दहाड़ रही है, आवाज जो फील होती है ना कानों को वो डीजल की कहीं कभी कभी रुक नहीं सकती। पेट्रोल में भाई वो जैसे बिल्ली चला रही हो ठीक है, तो वैसा फील होता है। एंड इसके अलावा अगर मैं एक वर्ड में अगर आपसे पूछूं कि भाई कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट आपको अभी तक लगा हो इस गाड़ी में, आपको लगभग 2 से 3 महीने इस गाड़ी को यूज करते हुए हो गए, कोई मेन पॉइंट आपका नेगेटिव जो इस गाड़ी से लगा हो रिलेटेड बताइए। 21.5 लाख खर्च करने के बाद जब पीछे से ऐसे लगे कि कोई तांगा चलाता हुआ जा रहा है तो वो लुक है इस गाड़ी की ठीक है। अब भाई कोई कुछ भी कहता रहे स्टॉप सेलिंग में है बट पीछे से तो भाई लुक ऐसी आती है, इससे पहले जो आती थी उससे बेकार कर दिया नहीं कर दिया भाई। फर्स्ट जनरेशन इज द बेस्ट जनरेशन एवर, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे, हुंडई का एक प्रॉब्लम हो रहा है यार कि उसके बाद क्रेटा लाए उससे थोड़ी कम, उसके बाद लाए उससे और कम, सेम i20 एलीड थी उसका बेड़ा गरक कर दिया, वरना थी उसे तो फ्लूड का उसका बेड़ा गरक कर दिया। हालांकि बिक्री है बट भाई मुझे इनके डिजाइन समझ नहीं आते, इसको फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, ट्यूबलाइट बना देंगे अभी ये आगे से ऐसे लगता है मधुमक्खी का छत्ता DRL भाई समझ में नहीं आ रहा लिटरली। मैं खुद इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि हुंडई के जितने भी डिजाइनर्स हैं पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं वो डिजाइन कर रहे हैं कि
उन लोगों को, मतलब आज के टाइम में और भी अदर ब्रांड्स हैं, महिंद्रा को देख लो, टाटा को देख लो, काफी अच्छे अच्छे यूनिक डिजाइन लेकर आ रहे हैं मार्केट में। आप कहां महिंद्रा से कंपेयर कर रहे हो हुंडई का यार, कहां महिंद्रा कहां क्रेटा भाई, आप खुद बताओ ना यार, महिंद्रा के डिजाइन क्या क्या अच्छे लग रहे हैं आपको, महिंद्रा कहां आगे ऐसे बोलो, आप बताओ मुझे क्या डिजाइन अच्छा लगा आपको। बोलेरो का डिजाइन देखा है कभी भाई, कितना रगेट फील देती है वो, कितना रगेट फील देती है, जैसे टेललाइट लगा के वो बना दिया वहाँ पे देसी ट्रैक्टर, वो तुम्हें लग रहा है कि मतलब वो क्रेटा ट्यूशन जैसी गाड़ी का कंप्लीट करेगा ये भाई है ना कट्टर हुंडई फैन है, क्रेटा के प्राइस में स्कॉर्पियो अंधेरी जल रही है भाई की, ये बात है ना, स्कॉर्पियो अंधेरी जल रही है भाई की, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इसके प्राइस में तुम्हारे को स्कॉर्पियो एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ी मिल रही है, बताओ तो गुरखा ले लेना फिर अरे गुरखा तो बैक प्रोफाइल के अलावा आपको क्या मतलब नेगेटिव और लगा गाड़ी के अंदर, क्रेटा में, क्रेटा के अंदर भाई देखो नेगेटिव एज सच डिजाइनिंग हो गई भाई आपकी, एक तो इंजन की हो गई नेगेटिव, ठीक है, और बेसिकली ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी दिक्कत आती है, नेगेटिव ये पॉजिटिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आपने देखा था कि एडास इंफोटेनमेंट से ऑन था तो एक लेन थी वाइट कलर की, वहां पे चल रही गाड़ी एकदम ऐसा ऑन हुआ, स्टेयरिंग ने टिल्ट मारा, हाँ, लेकिन वही सामने से स्कॉर्पियो आ रही थी, हाँ, अगर मैं हाथ नहीं रखता तो गाड़ी 100% ठुकती, बिल्कुल, तो इसलिए ये सिटीज में भाई एक ये डेंजरस हो जाता है हमारा एडास, तो इसको एडास को बंद करके चलाओ, लेकिन ये कहना मतलब एक नेगेटिव चीज नहीं है तो ये पॉजिटिव चीज, ठीक है, बट ये सिटी में चलाना नेगेटिव है, सिटी में चला, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। बाकी काफी लोग चलाते नहीं चलाते देखो पर्सन टू पर्सन, बट मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है तो बंद करके चलाओ इसको। ब्रदर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद हम वीडियो एंड कर रहे हैं, हाँ जी। अगर किसी के पास में 21-22 लाख रुपए हैं, हाँ। इतना बजट है, हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप जरा एक बार बताएंगे भाई, मॉडल अपना SX वेरिएंट लो, लेकिन जाओ टर्बो वेरिएंट पे, ये बिल्कुल मत ले लेना, ओके, ठीक है, क्योंकि नई इंजन में मजा आने वाला, जो शोक कहता है कि टर्बो में एवरेज नहीं देखने को मिलता, सेम 19-20 का फर्क यही है एवरेज में, तो टर्बो ही लो। सो दोस्तों यही था वीडियो, क्रेटा का ओनरशिप हमारे अभिषेक भाई ने हमें प्रॉपर जो जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इस क्रेटा के साथ में वो हमारे साथ में शेयर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हैं, एंड मिलते हैं आपसे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ में, एक और नए अच्छे से कॉन्टेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।